बिहार में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कटिहार जिले के बरारी प्रखंड के जोगेश्वर मैदान में महागठबंधन के उम्मीदवार तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कोई इंजीनियरिंग किया होगा तो अपने नाम के आगे इंजीनियर दुकान लगा देना, इंजीनियर रमेश पकौड़ा दुकान, डॉक्टर फलाना पकौड़ा दुकान, है ना। हर साल में जब 2 करोड़ लोग जब पकौड़ा बेचेंगे तो पकौड़ा कौन खाएगा, है कि नहीं। एक साल में 2 करोड़, 5 साल में कितने करोड़ हो गए भाई। बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो पकौड़ा कौन खाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने यह भी कहा, नागपुरिया कानून आरएसएस का एजेंडा है और वही पूरे देश में लागू करना चाहती है मोदी सरकार। वो आरएसएस का एजेंडा है, जो इनके बाबा कोवलकर हैं, आरएसएस के गुरु रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखा है बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स का मतलब है सोच का एक गुच्छा, और इस गुच्छे में अगर आप पढ़िएगा तो आप जानिएगा कि ये नागपुरिया कानून में गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और अल्पसंख्यक लोगों के लिए बहुत गुस्सा है। ये लोग नफरत जितना है, जो जहर आप घोल सको, वो ये लोग करने का काम करते हैं। अपर क्लास क्यों वोट दे, आरजेडी को क्यों वोट दे। महागठबंधन का बयान आया है कि महागठबंधन से उम्मीद नहीं, महागठबंधन से ऐसा उम्मीद नहीं थी। आप जात पे मत जाइए, आप मोदी जी पे मत जाइए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। आज के डेट में मुद्दा जो है रोजगार है। आरजेडी नेता मनोज झा भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चुनाव संविधान बचाने के लिए है। दीपांकर का बयान आया है कि महागठबंधन से उम्मीद नहीं है, क्या कहेंगे। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि हमने पहली बार इतिहास में ऐसा किया कि माले के जन संघर्षों के मद्देनजर हमने आरा की सीट उनके लिए छोड़ दी। महागठबंधन कई दलों का गठबंधन है, किसी की उम्मीद नहीं है, आवाम की उम्मीद इससे सबसे बड़ी है। चलिए, आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा कि कटिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ ही साथ मनोज झा के दिए भाषणों पर कितना प्रभावित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।